और हिम्मत है तो मुझे टर्मिनेट करो, हिम्मत है तो मुझे सस्पेंड करो, बहुत हो गया, आज चलेगा नहीं। ये युद्ध अभी जारी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 21वीं सदी में चंद्रयान 3 छोड़ रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। हिंदू कॉलेज के एक टीचर जो कि अपने पैसे से लाखों रुपए खर्च करके हेरिटेज बिल्डिंग को खूबसूरत बना के रखता है, सब जानते हैं, सारे अखबार में और यूट्यूब में चला हुआ है सारे। उसके घर के सामने कचरा डलवाना, गंदा फैलवाना, प्रमोशन रोक देना, छुट्टी नहीं देना, ये मानसिकता कहाँ से आती है ये समझना है। इसलिए आज भी सभ्यता के साथ ये युद्ध जारी है। सबको चिट्ठी लिख के बताऊंगा कि हिंदू कॉलेज देश का नंबर 1 कॉलेज अखबार में छपाता है, इसके प्रशासन की घटिया, नीच और गलीच जो मानसिकता है किस स्तर पर उतर गई है। जब मेरे जैसे आदमी के साथ, मेरे जैसे कह रहा हूँ जो डरता नहीं किसी से, और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पर बैठ के बोलता हूँ, जब उसके साथ ये हाल कर रहा है, वो चंद्रशेखर पे गोली चलाया उधर, तो यहाँ गोली नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हो, माथे में टेंशन मारो, इसको सुई दो। मेरे जैसे आदमी के साथ ये हाल करने की कोशिश कर सकता है तो आपको और आपके बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट देगा वहाँ पर। ये इसलिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस चांसलर यहाँ पे, उनको भी चिट्ठी मैंने लिखा, 5 साल से चिट्ठी लिख रहा हूँ खाली में, जब उनकी मानसिकता बहुत नीच स्तर पे आ जाए तो वहाँ लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए मुझे चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना पड़ा कि मैंने सारे फोरम एग्जॉस्ट कर लिए हैं, वाइस चांसलर को बार बार लिखना, UGC को लिखना, HRD मिनिस्टर को लिखना, होम मिनिस्टर उस समय राजनाथ सिंह थे उनको लिखना, सबको लिख लिखे, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा विश्वविद्यालय, भारत के जितने विश्वविद्यालय, IIT और मेडिकल कॉलेजेज हैं, वो सब SC ST OBC के लिए एक तरह से यातना गृह बन चुके हैं। अभी दिल्ली IIT में एक बच्चे ने सुसाइड किया है, दर्शन सोलंकी ने सुसाइड किया था, ये सब रिपोर्टेड केस हैं। बहुत सारे लोग कैसे हो, यहाँ प्रशासन काम कर सकता है उसकी बानगी मैं दिखाता हूँ, कैसे मेंटल टॉर्चर कैसे किया जाता है ना, बगैर आपको हिंसा किए हुए, फिजिकल वायलेंस किए हुए, आपको इतनी परेशान कर देगा सिस्टम, चाहे वो छात्र हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, वाइस चांसलर हो, कोई भी हो, वो आपको इतना परेशान कर देगा कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार इनसे लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, इनका सामना कर रहे हैं। और ये इसलिए समाज को ये जानना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे IIT में पढ़ने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सचेत रहिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनसे रोज़ बात कीजिए, उसको समझाइए, क्योंकि जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ सिर्फ आपको शिक्षक और छात्र नहीं मिलेंगे, बहुत सारे वहाँ पर जल्लाद भी आपको मिलेंगे जो आपके बच्चों को रोज़ टॉर्चर करते हैं। मैं 26 बरस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूँ, 26 साल एक सीनियर टीचर हूँ इस विश्वविद्यालय का, इस कॉलेज का। ये बात अगर मैं कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगी, बगैर बैकग्राउंड के बात नहीं कहता। तो इसलिए वीडियो वैसे पेरेंट्स के लिए है कि जिनके बच्चे अभी बड़े होने वाले हैं, जिनको IIT जाना है, जिनको मेडिकल में जाना है, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है, उनको पता लगे कि कैसे विश्वविद्यालय, कैंपस, यूनिवर्सिटी उनके बच्चों को रोज़ टॉर्चर करता है। इसलिए वीडियो है, मैंने जो चिट्ठी लिखा उसमें कई बातें उठाई, केस स्टडी है। और मैंने बहुत ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मैं भी हूँ और चीफ जस्टिस साहब भी, इस हैसियत से मैंने चिट्ठी लिखा। केस जो बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हुई थी 2022 में, एक दिन गिरफ्तारी हुई थी, फिर मैं अगले दिन बेल पे आ गया था, तो चलिए मेरा सस्पेंशन नहीं हुआ क्योंकि 48 आवर्स में था नहीं, कोई हवाला जेल में था नहीं। मैं रतनलाल, अब तक मेरी 10 किताबें प्रकाशित हैं, आप जाएं अमेजन पर रतनलाल काशी प्रसाद जसवाल टाइप करें, मेरे किताबें फट फट दिख जाएंगी आप। 14 रिसर्च पेपर, कम से कम 6 दर्जन लेक्चर भारत के तमाम विश्वविद्यालय कॉलेजेस में, 6 दर्जन 80 के आसपास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री देने के बावजूद आज तक मेरा प्रमोशन रोका गया है। कारण मैं बताता हूँ, क्यों, बड़ा दिलचस्प है कि 2000 पहला आवेदन मैंने किया था इधर, पहला फर्स्ट
जितने मेरे पॉइंट्स हैं तीन प्रोफेसर के बराबर यहाँ के पॉइंट्स होंगे, उतने में तीन प्रोफेसर बन जाएंगे। 26 अक्टूबर 2020 को मैंने आवेदन दिया प्रमोशन के लिए, कॉलेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस पर, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 7 जुलाई को अभी 23 में तकरीबन 3 साल होने को है, कॉलेज मुझे चिट्ठी भेजता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके अगेंस्ट जो एफआईआर पेंडिंग है, एफआईआर पेंडिंग है, चिट्ठी मुझे भेजा है। और 7 तारीख को चिट्ठी भेजता है, 12 तारीख को, मतलब 3 वर्किंग डे में, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक के बीच 5 टीचर का एक साथ प्रमोशन कर देता है। इसका मतलब पहले से अपॉइंटमेंट का तैयारी किया होगा, प्रमोशन का सब एक्सपर्ट से टाइम लिया होगा, सबसे टाइम लिया होगा। 3 दिन के अंदर 5 प्रोफेसर हो जाते हैं। उसके पहले 3 साल में कई प्रोफेसर जो मेरे जूनियर थे उनका भी प्रमोशन हो चुका है, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होता है। और वो प्रिंसिपल जिसका अपॉइंटमेंट जो है एज ए प्रिंसिपल अभी भी अंडर हाई कोर्ट में 2 केस चल रहा है, अगर इसका फॉर्म चेक कर दिया जाए, इसका एकेडमिक पॉइंट चेक कर लिया जाए, तो ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए था। वो प्रिंसिपल जो है बैठ के यहाँ पे डिक्टेट कर रही है कि आप सोचिए एक टीचर किस मानसिकता में क्लास लेने जाएगा, कैसे रिसर्च करेगा, इसकी कल्पना सोचिए। मैंने पूछा है, चिट्ठी लिख के प्रिंसिपल को दिया, आज तक जवाब नहीं आया कि आपने दिल्ली पुलिस एफआईआर का जिक्र किया है, दिल्ली पुलिस के साथ आपका क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, वाइस चांसलर ऑफिस के साथ क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, गवर्निंग बॉडी की क्या मीटिंग हुई है, उसकी कॉपी मुझे दी जाए। आज तक नहीं मिला मुझे, लेकिन प्रमोशन रोक दिया। किसी को इसको लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था, ये तीन साल से क्यों रोका गया है मुझे। सवाल खाली प्रमोशन का नहीं है, सवाल है माइंडसेट का है, किस मानसिकता के तहत तुमने फर्जी तरीके से जो है मुझे रोका। और ये समझते हैं कि इनको दबा दो चुप हो जाएंगे और दबे रहेंगे, नहीं, मैं बोल इसलिए रहा हूं कि पूरा समाज और देश इस बात को समझे। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ाते हैं ये तो आप मानते हैं ना कि इसलिए कि भाई किताब लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, उसके लिए छुट्टी दी जाती है, सरकार के साथ सरकार ने छुट्टी का प्रावधान किया हुआ। 2018 से मैं राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जसवाल में, मेरी PhD है, 6 किताबें प्रकाशित हैं, और राष्ट्रवादी सरकार है। मोदी जी पांव मत धुजिए, हमारा सम्मान वापस कीजिए, अधिकार वापस करवाइए। कि 5 साल से मैं किताब लिखने के लिए छुट्टी मांग रहा हूँ, सबैटिकल लीव दिया जाए, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। आज तक नहीं जवाब आया कि क्यों छुट्टी आपको नहीं दिया जाए। तीसरी बात, आप इस कैंपस में बैठे हैं, मेरा घर है, और मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, किसी से डरता नहीं इस देश में, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं कानून के साथ में खड़ा हूँ। घर के सामने देखिए एक कूड़ादान बना हुआ है, देख लीजिए, सब लोग वीडियो बना लीजिएगा, और उसमें नाम दिया है कंपोस्ट पिट। उसके अंदर से जो है ना 6-7 साल हो गए बने हुए उसको, और उससे 1 ग्राम भी कंपोस्ट नहीं निकला है। 2020 में उसमें आग लग गई थी, खुला छोड़ दिया मेरे घर के सामने, कीड़े मकोड़े फैलते रहते हैं चारों तरफ, कीड़े मकोड़े, उसको मैंने इधर से कवर करवाया है। एक दलित टीचर के घर के सामने, देखिए वैचारिक लड़ाई आपको लड़ना है तो हम लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस नीच मानसिकता पे उतरना, इसको आप कैसे लड़ेंगे। सामने अभी भी है, कोई भी आके कमीशन बैठ के चेक कर सकता है। आप घर के चारों तरफ जाइए, आप एक वीडियो बना लीजिएगा, आप सब जानते हैं कि इस घर को मैं कितनी साफ सफाई और कितने तरीके से रखता हूँ, बार बार सफाई करवाता हूँ, और बार बार जो है यहाँ पे कचरा, पीछे जाके देखिए कितना कचरा मलबा डला हुआ है। हिंदू कॉलेज है, देश का प्रतिष्ठित कॉलेज है, 1 नंबर कॉलेज कह रहा है, और कहीं जगह नहीं मिल रहा है पूरे 33 एकड़ में, खाली मेरे घर के चारों तरफ जो है कचरा फैलाता है। अभी वीडियो देख लीजिएगा, पीछे जाके बनाइएगा कितना गंदा फैला हुआ है। फिर तो ये सब क्यों हो रहा है, ये मानसिकता कहाँ से आ रही है। ये मानसिकता जहाँ से आ रही है हम सब जानते हैं, ये मानसिकता आ रही है मनुस्मृति से आ रही है, कि एक दलित कैसे साफ रह सकता है, एक दलित का घर कैसे अच्छा रह सकता है, चारों तरफ कचरा ये फैलवा रही है प्रिंसिपल, चारों तरफ, मेरा एकेडमिक करियर बर्बाद करने के लिए। ये सारे मैंने चीफ जस्टिस को लिखे, सारे एकेडमिक करियर बर्बाद करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मैं मिला हूँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी है,
कि क्या हो रहा है। देखिए एक टीचर के साथ देखने में आपको छोटी छोटी बातें लगेंगी, लेकिन ये छोटी बातें नहीं है, ये आपको बच्चों के साथ इसी तरह से टॉर्चर कर रहा होगा, कहीं ना कहीं IIT में टॉर्चर कर रहा होगा। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, इसलिए पब्लिक में जा रहा हूँ कि आप ही बात को सुनिए और सवाल करने की आदत डालिए, डरिए मत। अभी BHU का एक मामला आया है, वहाँ एक महिला प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मीडिया डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र की दलित महिला प्रोफेसर है, उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े हैं। तो दलित पिछड़े आदिवासी के वो मारोगे, कपड़े फाड़ोगे, सब चुप बैठा रहेगा? खाली आप पांव धोने से अधिकार मिलता है? इसलिए ये हम लोग आकर हम लोगों ने तय किया कि जितने वीडियो सुनेंगे, जितने यूनिवर्सिटी IIT मेडिकल कॉलेज के लोग होंगे, आप जहाँ जहाँ आपका उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ जहाँ आपको टॉर्चर कर रहा है, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, आप खुल के आइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, और नीच मानसिकता वाले प्रिंसिपल वाइस चांसलर कोई भी हो, नीच मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ पब्लिक में जाइए, उनको पब्लिक में बेइज्जत कीजिए। बताइए मैं क्यों बता रहा हूँ कचरा फैलवाया हुआ है, कि लोग जाने कि हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या है, पब्लिक में जाके जवाब दो। और हिम्मत है तो मुझे टर्मिनेट करो, हिम्मत है तो मुझे सस्पेंड करो, बहुत हो गया, चलेगा नहीं। एक एक आदमी को जो बोलने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उसको आप तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, ये टॉर्चर नहीं है? अगर किसी के सामने बाई चांसलर के घर के सामने में जाके कचरा फेंकवा दूं कचरा वहां पे, कैसा लगेगा? वैसे वैसे लोगों का यहाँ प्रमोशन किया गया है जिसका अगर सबका सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आधे से ज्यादा जेल में होंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इतना हार्डशिप फेस करते हुए, इतना संघर्ष करते हुए किताब लिखता है, आर्टिकल लिखता है, बोलता है, अगर मैं किसी दूसरे देश के कॉलेज में होता प्रोफेसर, तो इंस्टीट्यूशन के लिए मैं एसेट होता, उसके लिए मान स्वाभिमान की बात होता। एक टीचर का लाखों में फॉलोइंग है, लाखों लोग पढ़ते हैं, ये सम्मान की बात होती। बाबा साहब ने गांधी से जब मिला था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड। मैं आज कह रहा हूँ 90 साल बाद कि दलित आदिवासी पिछड़ों का ये जो है ना हाफ होमलैंड है, पूरा होमलैंड लेने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। गांधी को एक और बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के साथ ये युद्ध है, ये युद्ध अभी जारी है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 21वीं सदी में चंद्रयान 3 छोड़ रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। हिंदू कॉलेज के एक टीचर जो कि अपने पैसे से लाखों रुपए खर्च करके हेरिटेज बिल्डिंग को खूबसूरत बना के रखता है, सब जानते हैं, सारे अखबार में और यूट्यूब में चला हुआ है सारे, उसके घर के सामने कचरा डलवाना, गंदा फैलवाना, प्रमोशन रोक देना, छुट्टी नहीं देना, ये मानसिकता कहाँ से आती है ये समझना है। इसलिए आज भी सभ्यता के साथ ये युद्ध जारी है। ऐसा नहीं है VC से नहीं मिला मैं, ये प्रिंसिपल जो इस तरह का डिक्टेट कर रही है, मैं आपको बताता हूँ, एक बारी हाई कोर्ट से टर्मिनेट हो चुकी है, नाम है प्रिंसिपल का अंजू श्रीवास्तव, फोटो देख लीजिएगा जाकर। ये प्रिंसिपल बनी है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, कितना एकेडमिक स्कोर है, ये किसी को नहीं पता आज तक दुनिया में। जैसे मैं लिखता हूँ तो पब्लिक के लिए लिखता हूँ ना, नेट पर किताबें मेरी मिल जाएंगी। ये प्रिंसिपल बनी, हाई कोर्ट से टर्मिनेट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आई, और क्या क्या लीला होता है कोर्ट में मैं जानता हूँ। इसलिए कहीं जब न्याय नहीं मिलता है तो सीधा और सीधा चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है लिखना पड़ता है। ये प्रिंसिपल जहाँ पे सूचना आयोग है वहाँ पे सूचना लगाई गई कि इसका किताब आर्टिकल, इसका एकेडमिक पॉइंट्स क्या है बताइए, वहाँ भी मैनेज कर लिया, नहीं दिया इन्फॉर्मेशन। अरे मैं टीचर हूँ, अगर मैं कोई लिखता हूँ तो मैं गर्व के साथ लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरी किताब है। आपने देखा हो कि एक किताब पे धर्मांतरण पे काम चल रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, एक गर्व की बात होती है एक शिक्षक के लिए कि जो लिखे तो पब्लिक में डाले। ये आज भी कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल रहा है, कह रहे कि नहीं हम किताब नहीं दिखाएंगे, हम तिजोरी में रखेंगे,
नोबेल प्राइज अगर किसी को मिलना है तो किताब दिखाएगा ना। ये भारत सरकार के गरीब लोगों से दिया हुआ टैक्स के पैसे से इसको सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है भारत सरकार से ना, टैक्स पेयर का है। तो टैक्स पेयर से सैलरी ले रही हो तो तुम्हारा बायोडाटा क्या है, कैसे प्रिंसिपल बने हो, कैसे प्रोफेसर बने हो, दिखाओगे नहीं दिखाओगे? दिखाओगे? अभी भी हाई कोर्ट में केस लंबित है कि बताओ, दो केस लंबित है, एक है इस कंटेम्प्ट का और एक है आरटीआई में जो मांगा था इसका किताब बताओ। तो किताब वो नहीं बता रही है, लेकिन इसकी किताब जो है ना मैं बताता हूँ, ये मार्केट में है, मैंने 2500 रुपये खर्च करके मंगवाए हैं, ये अंजू श्रीवास्तव के जो एकेडमिक वर्क हैं ये देख लीजिए, ये 9वीं 10वीं 11वीं का जो ना कुंजी लिखा हुआ है गाइड, कुंजी कुंजी ऑथर नंबर, ऑथर देखिए इसमें चार ऑथर दिखेंगे, जूम करके दिखाइए इसको कि चार ऑथर इसमें हैं। ये है कुंजी, पकड़िए सूरज जी, ये देखिए चार किताबें हैं, ये सब 11th 12th के बच्चे जो गाइड पढ़ते हैं, ये सरकारी जगह से नहीं छपी है, ये छपी है आर्या पब्लिशिंग कंपनी करोलबाग में, करोलबाग में ये कुंजी है। और कुंजी में ऑथर कितने हैं चारों किताब में देख लीजिए, चार ऑथर हैं। ये पतली किताब देखिए 50-60 पेज की किताब है, चार ऑथर है उसमें, अंजू श्रीवास्तव एक नंबर नहीं है, है? ये कुंजी लिख के हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल बनी है, उसका मार्क्स चेक कीजिए फॉर्म निकाल के, इस किताब के जो कि 0 पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, इसने पूरे पूरे नंबर डाल के प्रिंसिपल बनी, इसको जेल में होना चाहिए था। ये पब्लिक में जाना जरूरी है कि तुम्हारी मेरिट क्या है ना, हमारे बच्चों से हमसे मेरिट पूछ रहे हो, ये देखो तुम्हारी मेरिट में निकाल के लाए, वो कोर्ट को नहीं पता है क्या छापा है, दुनिया को नहीं पता, लेकिन मार्केट में किताबें बिक रही है, 2500 मैंने खर्च किए हैं इसका मेरिट जानने के लिए, किताब मंगवाई है, ये केमिस्ट्री का 11th 12th देख लिए कहीं इसमें BSc लिखा है, ढूंढ के बताइए, ये सोल ऑथर है नहीं है? ऐसे लोग भारत में प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं, और वो दलित जो मेहनत से आता है, इतनी किताबें लिख रहा है, मेरी किताब दिखाओ अमर कहाँ है, लाओ वहाँ से दिखाते हैं इसको, मेरी किताबें दुनिया के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में रखी हुई हैं, मेरे छात्र भेजते हैं कभी बर्लिन से कभी लंदन से कि आपकी किताब यहाँ पर रखी हुई है, 10-10 किताब प्रकाशित करने के बाद हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकोगे, तो ये है 21वीं सदी का भारत, नया भारत है। मोदी जी को भी चिट्ठी लिखने वाला हूँ, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखूंगा, अभी HRD मिनिस्टर को चिट्ठी लिखूंगा, UGC चेयरमैन को चिट्ठी लिखूंगा, सबको चिट्ठी लिख के बताऊंगा कि हिंदू कॉलेज देश का नंबर वन कॉलेज अखबार में छपाता है, इसके प्रशासन की घटिया नीच और गलीच जो मानसिकता है किस स्तर पर उतर गई है कि अपने कलीग जो कि दुनिया भर में लोग जानते हैं मुझे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, ये मेरी किताबें हैं, थोड़ा उठा के वजन कर लें, ये सब जाके इंटरनेशनल जाके देख लें, पूरी किताबें जो है, ये मेरा PhD राष्ट्रवादी इतिहासकार में PhD है, देख लीजिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन लिखा हुआ है इस पर, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर और हैं राकेश सिन्हा, पार्लियामेंट में जाते हैं तो खूब नाम लेते हैं, काशी प्रसाद जायसवाल, राष्ट्रवादी इतिहासकार, उन पे 6 किताबें प्रकाशित हैं, इतनी किताबें लिखने आर्टिकल लिखने का दिखाने की जरूरत नहीं, कोई नेट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन ये बताइए इस समाज को हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक वैसे प्रोफेसर जो इस यूनिवर्सिटी का जितना प्रोफेसर बना है अभी यहाँ का अपर कास्ट, अपनी किताबें दिखा दे, मेरी किताबें ले जाकर चेक करो, अपनी किताब दिखाओ मेरिट, तो अपनी नहीं दिखा रहे हैं, अपनी लिखे कुंजी, देखिए दोनों कुंजी आसपास है, हैं? और हमसे पूछ रहे हैं मेरिट, हैं? कुंजी वाला किताब है रिसर्च किताब, देख लीजिए ये किताब, देखिए ना अरुंधति राय की किताब है ना, अरुंधति राय को तो दुनिया का सब जानता है, हैं? उसका अनुवाद सब जानते हैं, चर्चित किताब है, एकता संत, लाखों लोगों ने किताब पढ़ी है। मैं ये बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ,
किसी को लग सकता है कि मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा प्रमोशन का, छुट्टी का, ये सारी व्यक्तिगत बातें हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। व्यक्तिगत खाली होती तो मैं किसी को नमस्ते कर लिया रहता अभी तक। जब मेरे जैसे आदमी के साथ, मेरे जैसे कह रहा हूँ जो डरता नहीं किसी से, और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती पर बैठ के बोलता हूँ, जब उसके साथ ये हाल कर रहा है, हैं, चंद्रशेखर पे गोली चलाए उधर, तो यहाँ गोली नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हो, माथे में टेंशन मारो इसको, सुई दो। मेरे जैसे आदमी के साथ ये हाल करने की कोशिश कर सकता है तो आपको और आपके बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट देगा वहाँ पर। ये इसलिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, ये बात है कि नहीं, इससे डरा है मैं न डरूंगा। और ये समाज का कॉन्फिडेंस, पब्लिक डिस्कोर्स, डिबेट में जाना चाहिए कि कैंपसेस भारत के किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए एक कब्रगाह साबित हो रहा है, किस लिए, कैसे, ये खाली बताने के लिए प्रेस वार्ता है। और हर मंच से जाकर ये बात मुझे कहनी है, लोगों को समझानी है। आप कैसे सत्ता पालेंगे, आपके बच्चे ही जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आप लीडर कैसे बन जाओगे। आपके बच्चों को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। एक टीचर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जाना माना टीचर है, ऐसे नहीं कि लोग मुझे जानते नहीं, उसके साथ एक कचरा माइंडसेट का ये प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है। आपको पता होगा लंदन जाने से मुझे रोका है? तो मेरे लंदन जाने से, लेक्चर देने से दिक्कत है, मेरे छुट्टी पे जाके किताब लिखने से दिक्कत है, मेरे रिसर्च करने से दिक्कत है, मेरे बोलने से दिक्कत है, मेरे प्रमोशन से दिक्कत है, तो सब कुछ दिक्कत ही है। तो मैं चुप क्यों बैठूं? तुम्हारा दिक्कत और बढ़ना चाहिए। पब्लिक में मैटर जाए, पब्लिक डिबेट करे, पब्लिक जो है ह्यूमिलिएट करे, बोले कि घटिया मानसिकता के लोग प्रिंसिपल वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। इसलिए आज आप लोगों को बुलाया गया। दोस्तों, बहुत सारे कागज यहाँ रखे हुए, आप सब जानते हैं, लगातार मैं लिखता बोलता रहता हूँ। और हमको साइलेंस करने के लिए, चुप रखने के लिए, सरकार मुझे कुछ नहीं कर सकती है। छोटा छोटा रिचार्ज बैठाया हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, छोटा छोटा रिचार्ज, कि इसको ऐसे तंग करो, इसको ऐसे तंग करो। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, 10 मिनट का काम है ना रिजॉल्व करना। 10 साल से मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न केस लगाया, जब कचरा ये फेंका मैंने प्रतिरोध किया तो इस प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने मेरे ऊपर केस करवा दिया। और मैं तो संविधान को मानता हूं ना, मैंने कहा ओके फाइन, चलो प्रोसीडिंग फेस किया, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया। 2016 से 2023 कितने साल हुए? 7 साल। 7 साल में आज तक उस प्रिंसिपल ने वो रिपोर्ट मुझे पग नहीं दिया, ये क्या हुआ उस कमिटी में। कानूनन मेरा ये अधिकार है ना, मैं उसमें एक्यूज था, तो मुझे कॉपी देनी चाहिए थी ना। आज तक संजू श्रीवास्तव ने मुझे वो कॉपी नहीं दी है, क्या समझा जाए। हर तरीके से आपको महिला उत्पीड़न, कचरा, तो ये हर तरीके से आपको फंसाने की ये लोग साजिश करते हैं। सो यूनिवर्सिटीज साजिश का अड्डा बन चुका है। आरक्षण से किसी को SC ST ओबीसी को नौकरी मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन लिख के, पढ़ के, आत्मसम्मान के साथ आप जीना चाहेंगे तो आपको ये सब टॉर्चर झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं भारत की जनता से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ भी आपके साथ घटना हो रही है, जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है, आप इस तरह का चिट्ठी, ओपन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखें, आप ओपन लेटर प्रधानमंत्री को लिखें, ओपन लेटर होम मिनिस्टर को लिखें, ओपन लेटर शेड्यूल कास्ट कमीशन को लिखें। पब्लिक विमर्श बनाइए, पब्लिक डिबेट जब तक नहीं शुरू होगा तब तक कुछ नहीं होने जाने का है। यहाँ पे एंटी रैगिंग सेल है, सेक्सुअल हरासमेंट सेल है, कभी SC ST सेल का नाम सुना है कहीं? अगर मुझे शिकायत करनी हो तो कहाँ जाऊँगा? VC सुनता नहीं है, अथॉरिटी सुनता नहीं है, किसी फोरम पर आपको न्याय मिलता नहीं है, किसी फोरम पर। तो अल्टीमेटली मैंने चीफ जस्टिस को लिखा है, कोर्ट में तो मैं जाऊंगा ही, मुकदमा लड़ूंगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट में मेरे मुकदमे चल रहे हैं, 2-3, दो और मुकदमे जाएंगे, नो इशू। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले जनता का न्यायालय, न्याय जो है ना, जनता का न्यायालय सबसे बड़ा होता है।
जनता साबित करे कि ऐसे नीच और घटिया मानसिकता के लोग कैसे प्रिंसिपल बन सकते हैं, कैसे डायरेक्टर बन सकते हैं, है ना। इनको पब्लिक में जाके ह्यूमिलिएट करना है। कचहरी का काम तो अपना कचहरी में चलता रहेगा, देखा जाएंगे, लेकिन पब्लिक में लेके जाना जरूरी है।